नमस्कार। विभागीय विनोद में मैं सैनल आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिसे लेकर इन दिनों एक बार फिर राहुल गांधी को सत्ता पक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों राहुल गांधी एक विशेष आमंत्रण पर लंदन स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए। उन्होंने लेक्चर दिया, बाकी बातें तो उन्होंने जो विषय था उस पर बोली, काफी अच्छा था। लेकिन उसी लेक्चर के दौरान उन्होंने भारत सरकार पर जमकर हमले किए, आलोचना की, यहां तक कह डाला कि भारत में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत में संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का पूर्णतः कब्जा है। इसलिए उन्होंने मीडिया और न्यायालय के नाम भी लिया कि वो दबाव में है और लोकतंत्र के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। फिर इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि पिछले दिनों जो पेगासस जासूसी उपकरण की चर्चा हुई थी, बड़ा कुख्यात हुआ था कि मेरे फोन में भी, राहुल गांधी ने कहा, पेगासस जासूसी उपकरण लगाया गया था, अर्थात निगरानी की जा रही थी। इसी सिलसिले में कहने से नहीं चुके कि भारत में विपक्ष के नेताओं पर निगरानी की जा रही है, और जब अपने फोन की चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भारत में सत्ता पक्ष की ओर से आई। पहला तो उन पर यह आरोप लगा कि विदेश की धरती पर जाकर सरकार की आलोचना करना ये कहां तक उचित है। दूसरा यह कि अगर उन्हें जानकारी थी कि उनके फोन में पेगासस जासूसी उपकरण लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी समिति जो इस मामले की जांच करती थी, मैं उन्होंने अपना फोन जमा क्यों नहीं करवाया। यह बिल्कुल एक वाजिब सवाल है कि अगर आपको जानकारी थी कि आपके फोन में जासूसी उपकरण है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित किया था निगरानी के लिए, तो फिर उसमें अपना फोन जमा कराना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं कराया, लेकिन विदेश में जाकर के इसकी चर्चा की और भारत सरकार पर जमकर प्रहार किया। अब दो सवाल यहां खड़े होते हैं महत्वपूर्ण, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। पहला जो सत्ता पक्ष का उन पर आरोप है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना कहां तक उचित है, बिल्कुल गलत है। कोई भी इस सवाल का तत्काल उत्तर देगा कि गलत है और बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में जो पक्ष विपक्ष में तकरार होते रहते हैं स्वाभाविक रूप से होते हैं, जितना करना है करें, आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जब देश की बात आती है उसके सम्मान की रक्षा का दायित्व सभी के ऊपर है। विदेशी धरती पर जाकर अगर हम भारत सरकार की आलोचना कोई करता है इस संदर्भ में राहुल गांधी ने की, तो वह अनुचित माना जाएगा, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप वहां जाकर बोल रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मीडिया न्यायालय सभी पर निगरानी की जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर निगरानी की जा रही है, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो चुका है, और जिस प्रकार से अपने जासूसी उपकरण, अपने फोन की बात की, ये सब बातें जब विदेशी धरती पर उन्होंने की तो स्वाभाविक रूप से इसकी आलोचना तो होगी, जैसे शुरू भी हो गई सत्ता पक्ष की ओर से, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को से कहा गया, उनकी आदत में शुमार है कि वो भारत की आलोचना बाहर करते हैं। इसी में अनेक पहले के भी उदाहरण पेश किया गया, जब उन्होंने जर्मनी में और इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और फिर अमेरिका में भी भारत के नीतियों की, भारत के कतिपय कदमों की आलोचना करते हुए सरकार को, भारत सरकार को घेरा था, और इसीलिए इन पर आरोप ये लग रहा है कि ये इनकी आदत में शुमार है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत की आलोचना करना, बदनामी करना है। इसे
किसी भी दृष्टि से जैसे मैंने कहा उचित नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने की। आप समझ गए होंगे उनका इशारा स्वयं सत्ता शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है, क्योंकि यह लोग भूले नहीं है कि स्वयं मोदी जी विदेशी धरती पर जाकर के उन्होंने यहां के विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पर प्रहार किए, कांग्रेस की आलोचना की है। यह सच है और इसीलिए बार बार राजनीतिक विश्लेषक और तटस्थ राजनीतिक समीक्षक यह कहते रहे हैं भारत के लोकतंत्र के प्रति समर्पित लोग ये कहते रहे हैं कि जब आप दूसरे पर प्रहार करते हैं अर्थात पक्ष विपक्ष पर विपक्ष पक्ष पक्ष पर प्रहार करते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखें, यह बात बार बार दोहराई जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी कहते हैं और यह मामला यहां बढ़ गया। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब विदेश की धरती से कांग्रेस पर खालका नेहरू परिवार पर आक्रमण किए थे, प्रहार किए थे, तो उस समय भी आलोचना हुई थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अभी राहुल गांधी के शब्दों को लेकर हो रहे जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लड़ने में कहा। विदेशी धरती पर हमारे घर में झगड़े हैं, ठीक है हमारे घर के झगड़े हैं, हमारे हैं यहां पर, हम घर में उसे सुलझाएंगे, न कि विदेश में जाकर उसकी आलोचना करेंगे। इससे किसी पार्टी विशेष की नहीं पूरे भारत देश की बदनामी होती है, विश्व के नजरों में हमारी प्रतिष्ठा गिरती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर राहुल गांधी दोषी करार दिए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि ऐसे में क्या फिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है। आरोप सही है, यह कहा जा सकता है, उन्होंने भी ऐसे कृत्य के दोषी पहले पाए जा चुके हैं। इस संदर्भ में उसे लोग उद्धृत भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही उद्धृत कर रहे हैं। इसीलिए देर सही सही हर पक्ष इस मामले में सतर्क रहे। आप एक दूसरे पर प्रहार करें, उनकी भर्त्सना करें, आलोचना करें, ठीक है, लेकिन विदेशी धरती पर जाके भारत की अवमानना, उसका अपमान, उसकी आलोचना किसी भी दृष्टि से किसी भी कोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह तो हमारा आपका सभी का अपमान है, सभी भारतवासियों का अपमान है। हमारे यहां लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप दी आई है, कभी यह दल कभी वह दल। यह लोकतंत्र की खुशबू है कि जनता जब अपनी पसंद से अपने शासक का निर्वाचन करती है तो उस पर कोई सवाल या निशान नहीं उठते। हालांकि पिछले दिनों एक नई बहस ने जन्म लिया है भारत के संविधान को लेकर और बहुमत की परिभाषा को लेकर। कहता है कि बहुमत प्राप्त दल सत्तारूढ़ होता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश में उसका शासन है, लेकिन ध्यान रहे उसे कुल वोट का मात्र लगभग 35% वोट ही मिले हैं, 65% विपक्ष को मिले हैं। अब यहां यह सवाल खड़ा होता है, बहुत पेचीदा सवाल है कि ऐसे में बहुमत का दावा कैसे किया जा सकता है। कहते हैं कि वो 65% विपक्षी दल हुआ बैठ गए, 35% वाले सबसे ऊपर रहे, यह ठीक है तकनीकी दृष्टि से ठीक है, लेकिन यह सवाल भी वाजिब है कि इसे जनता के बहुमत का समर्थन सत्ता पक्ष को कैसे कहा जा सकता है जब 65% ने खिलाफ में वोट दिया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए,
आवश्यकता पड़ने पर हमारे संविधान में संशोधन भी हो, बहुमत का जो स्वाभाविक अर्थ सामने तुरंत आता है वह है कम से कम 50% से अधिक मत प्राप्त व्यक्ति ही या दल ही बहुमत प्राप्ति का दावा कर सकता है, ऐसा होता है। लेकिन यह एक विचित्र व्यवस्था हमारे यहां बहुमत की जो परिभाषा वो अस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है, या उन शब्दों में नहीं कहेंगे, उन सरल शब्दों में जिसे आम जनता समझ सके। आम जनता ही समझते कि बहुमत का मतलब है कम से कम आधे लोगों से ज्यादा का समर्थन उसे प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। 35% वोट प्राप्त कर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, 65% उनके खिलाफ है। यह एक मुद्दा है जिस पर आज जिस तरह से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से तकनीकी का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है, आने वाले दिनों में इस पर बहस अवश्य होगी और बहस एक तार्किक परिणति पर अवश्य पहुंचेगी, यह आवश्यक है। अब रही बात राहुल गांधी के विषय में जो हम चर्चा करें विदेशी धरती से बुला, उन्होंने गलत किया इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी स्वयं प्रधानमंत्री की ओर से हुई है, यह भी सही है। इसलिए विलंब से ही से अब भी कम से कम इस पर विराम देने को सोचिए। रही बात अब राहुल गांधी के आरोप, राहुल गांधी का यह आरोप गंभीर है कि देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण है, मीडिया और न्यायालय पर भी ध्यान रखें। यह गंभीर मुद्दा, इस पर इन दिनों बहस चल रही है। आंशिक रूप से ही सही राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत है कि हमारे यहां संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, सरकार का दबाव है, यह दोहराना ही होगा, लेकिन याददाश्त ताजा करने के लिए बता दूं, ध्यान रखें कि ऐसा भी समय इस देश में आया पिछले दिनों जब स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के जज सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पर दबाव है। यह स्वयं वे कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बाहर आकर के मीडिया के सामने ऐसा आरोप लगा चुके हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी कहते हैं कि न्यायालय पर भी निगरानी है, उन पर दबाव है, तो यह पूर्णतः असत्य तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखें। यह एक उदाहरण है। रही बात है अन्य संवैधानिक संस्थाओं की, तो हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग विवादों के घेरे में आया, उसके कतिपय निर्णय ऐसे आए जिससे उसके निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन एक उसी से जुड़ा मामला ऐसा सामने आ गया प्रसंग, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, कब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सदस्य रहेंगे, वे उनकी नियुक्तियां किया करेंगे। यह एक प्रशंसनीय कदम है, प्रशंसनीय निर्णय है, बल्कि ऐतिहासिक फैसला इसे माना जाता है। अब तक सरकार के समक्ष यह काम था, कुछ नाम की अनुशंसा कमेटी किया करती थी, प्रधानमंत्री उसमें से एक नाम चुना करते थे और राष्ट्रपति को भेजते थे, उनकी नियुक्ति हो जाया करती थी, अर्थात प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना करता था, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गया करता था। अब उस पर विराम लगाया गया है और एक ऐसी कमेटी करनी जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता भी रहेंगे और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, वो मिलकर करेंगे। यह मांग के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा है और जो न्यायालय की भूमिका आ रही है, उससे यह तो कहा जा सकता है कि आरोपों के बावजूद कमोबेश आज भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, तटस्थ है, आजाद है। आज
उसकी भूमिका को लेकर आम जनता जो है प्रसन्न है। कुछ अपवाद को छोड़ दे, कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि समय समय पर हमारी न्यायपालिका ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आम जनता के हित को संरक्षण प्राप्त हुआ है और हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिली है। इन सबों के बीच अगर राहुल गांधी की तरफ से आरोप इस तरह लगते हैं तो आरोपों में दम है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारी आपत्ति अन्य लोगों की भांति हमारी भी आपत्ति है कि विदेशी धरती पर जाकर के इस तरह के आरोप लगाना यह कदापि उचित नहीं है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने भी कभी कांग्रेस पार्टी की आलोचना विदेशी धरती से की हो तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन यह सभी पक्ष के लिए है कि आप भारत भूमि पर लड़ करके अपने हक में आपको जो कदम उठाना है उठाए। हमारे यहां जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जनता उसमें सर्वोच्च है, जनता की इच्छा सर्वोच्च है। आप जनता के समक्ष जाए, अपनी बातें रखें, जनता फैसला कर देगी। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के अगर आप भारत सरकार की, भारत की या हमारे प्रधानमंत्री की या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भारतवासी की आलोचना करते हैं तो आप स्वयं अपनी आलोचना करते हैं, अपनी अवमानना करते हैं, लोगों की दृष्टि में आप स्वयं को नीचा साबित कर रहे हैं। राहुल गांधी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ यह कहकर के आप नहीं बच सकते कि प्रधानमंत्री ने वैसा किया था, यह छूट आपको नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार से हाल के दिनों में आपने राहुल जी अपनी प्रतिमा में सुधार किया है, लोगों ने उसे एक सकारात्मक रूप से लिया है और आपको एक परिपक्व नेता के रूप में अब देखा जा रहा है, इसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, जनता के बीच जाइए, न कि विदेशी धरती से अपने ही भारत सरकार की आलोचना करें। कोई भी व्यक्ति, दलीय प्रतिबद्धता अपनी जगह है, लेकिन वो निजी बातचीत में आपके समर्थक भी या अगर प्रधानमंत्री की बात आती है तो उनके समर्थक भी इसकी आलोचना करेंगे, भर्सना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर अपने भारत की आलोचना करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर पूर्ण विराम लगाए, जो हुआ से हुआ, इट इज नेवर टू लेट, मानते हुए अब से ही इस पर पूर्ण विराम लगा दें और आगे में सावधानी बरतें। हम अपने देश की भर्सना किसी का मुंह से नहीं सुनना चाहते, विशेषकर विदेश में। राहुल गांधी व कैम्ब्रिज विश्वविख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों, एमबीए के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन छात्रों के दिल में, उनके मन में भारत की कैसी छवि बनेगी, एक नकारात्मक छवि का निर्माण होगा, ध्यान रहे। और इसके दोषी राहुल गांधी माने जाएंगे कि भारत की छवि को विद्रोह रूप में आपने विदेशी छात्रों के दिल में स्थापित कर दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है राहुल गांधी जी, इसे आप स्वीकार करें और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ न करें ताकि आप पर ऐसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति के आरोप लग सके। धन्यवाद।